गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6.5 में क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है बच्चों, सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें और उत्तर हमारा आ जाएगा। ये मान लीजिए आधार हो गया, ये भूमि तल है और भूमि तल में ये मान लीजिए कोई दीवार है और एक 10 मीटर की सीढ़ी इस दीवार पर लगाई गई है। दीवार मान लीजिए और ऊपर होगी, हमने जहाँ तक सीढ़ी लगाई है वहीं तक की दीवार बनाई है, जिससे त्रिभुज समझ में आए। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी बच्चों ये स्लैंट होगी, तिरछी होगी, तो ये जो सीढ़ी है इसकी जो लंबाई है बच्चों ये 10 मीटर दी गई है। ये 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये मान लीजिए बिंदु ए एक खिड़की है और ये भूमि से इसकी खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर है। तो अब आपसे कह रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दीवार का आधार मान लीजिए बी है और सीढ़ी का निचला सिरा सी है, तो हमसे बी सी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, मैं सीधे सीधे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि दीवार बच्चों सदैव भूमि के साथ 90 अंश का ही कोण बनाती है। आप कोई भी दीवार देख लीजिए, अपने घर की दीवार या कहीं की भी कोई दीवार देखिए, वो बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड खड़ी रहती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण बच्चों 90 अंश के सामने की भुजा है, तो लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, और रेफरेंस दे देंगे ब्रैकेट में पाइथागोरस प्रमेय से, ये जरूर लिख दीजिएगा। तो ए सी के स्थान पर लिख देंगे 10, तो 10 का वर्ग बराबर ए बी 8 है, 8 का वर्ग धन बी सी का वर्ग। पक्षांतर कर लेंगे बच्चों तो बी सी का वर्ग आ जाएगा 10 का वर्ग 100 और 8 का वर्ग 64, घटा देंगे 100 में से 64 तो कितना आ जाएगा बच्चों 36। तो बी सी का वर्ग बराबर आ गया हमारे पास 36, तो बी सी बराबर आ गया दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6, मगर जो दूरी है वो धनात्मक ही होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, तो इसलिए बी सी की लंबाई बच्चों क्या आ जाएगी 6, और यही 6 मीटर हमारा बच्चों उत्तर हो गया, यही 6 मीटर हमारा आंसर है। तो आंसर जो आया है इस प्रश्न का वो है 6 मीटर, जो पूछा गया था उसका उत्तर है 6 मीटर कि सीढ़ी के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के आधार तक की दूरी बी सी बराबर 6 मीटर आ गई। देखिए कितना आसान सवाल था। 10वां सवाल कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे को, चलिए बच्चों 10वां सवाल करते हैं। 10वां सवाल 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, वर्टिकली अपवर्ड एक खंभा मान लीजिए खड़ा है और उसकी जो ऊंचाई दी गई है वो 18 मीटर है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ठीक है बच्चों, ऐसा हम लोगों ने बिजली के खंभों में अक्सर देखा होगा कि आपकी गली में जो बिजली के खंभे लगे रहते हैं अंतिम खंभा, जिसके बाद कोई खंभा नहीं है, तो उसमें हम एक तार बांधते हैं सपोर्ट के लिए। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मान लीजिए कि ये खंभा आपकी गली का अंतिम खंभा है और ये है 18 मीटर का, प्रश्न के अनुसार ये 18 मीटर का एक खंभा है और मान लीजिए इधर से पूरे तार आगे गए होंगे और यहाँ पे दूसरा खंभा तीसरा खंभा, लास्ट वाले खंभे को सपोर्ट के लिए ज़मीन में से तार बांधा जाता है। तो कह रहा है कि एक 24 मीटर का तार हमें इस तरह से बांधना है कि ये जो तार है ये बच्चों तना रहे। उनके पास एक स्क्रू होता है नीचे यहाँ पर लगा होता है, उससे वो तार कसते हैं। पहले मगर चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी दूरी तक इसको बांधा जाए जिससे खंभा
तार क्योंकि इधर गए इस तरफ ना झुके। चलिए तो यहाँ पर ये 24 मीटर इस तार को हमने मान लीजिए इस प्रकार से बांध दिया कि बिल्कुल अब तना हुआ है, स्ट्रेच्ड है। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों कि खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। ये खंभे का आधार बी है बच्चों और ये मान लीजिए खूंटा है सी, तो बी सी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ए बी मान लीजिए खंभा है। तो बिल्कुल आसान हो गया, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सीधे सीधे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगानी है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ बिल्कुल उसी प्रकार से करते हैं, समकोण त्रिभुज, बस थोड़ी सूझबूझ से आपको चित्र बना लेना है, बस काम खत्म हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ए सी का वर्ग बराबर आ जाएगा ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो यहाँ पर 24 का वर्ग बराबर 18 का वर्ग धन बी सी का वर्ग। 24 का वर्ग कर लेंगे तो 4 × 16 की 6, यहाँ से लगे 1, 4 × 16 यहाँ से लगे 1, 4 × 8 = 16, 1 × 17 = 7 यहाँ से लगे 1, 2 × 4 = 5, 576, 18 का वर्ग कर लेंगे 8 × 64 = 4 हासिल लगे 6, 8 × 8 = 16 और 16 × 4 = 22 की 2 हासिल लगे 2 और 1 × 1 = 1 और 2 × 1 = 3, 324 धन बी सी का वर्ग। पक्षांतर कर लेंगे बच्चों तो बी सी का वर्ग बराबर आ जाएगा 576 − 324, यहाँ पर 324 आया था, घटा लेंगे बच्चों तो बी सी का वर्ग फाइनली आ जाएगा 6 × 4 = 2, 7 × 2 = 5 और 5 × 3 = 2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 252। तो 252 हमारे पास आ गया। अब दोनों पक्षों का बच्चों क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल जब लेंगे तो बी सी बराबर आ जाएगा 4 × 2 = 6, 252, बी सी बराबर आ जाएगा √252 और 252 का एग्जैक्ट वर्गमूल तो शायद आएगा नहीं, तो इसका आंसर डेसिमल में लिख के छोड़ देंगे। चलिए बच्चों बाकी करेंगे अगले वीडियो में।